नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। क्षेत्र से एक व्यक्ति की सर्वप्रथम गुमशुदगी की बात आई, बाद में उसके घर वालों को फिरौती की मांग आने लगी अपहरण को लेकर, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर वन और थाना प्रभारी और अन्य इंस्पेक्टर्स और पुलिसकर्मी शामिल थे, जिनके द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की गई। तकनीकी और सूचना एवं उपलब्ध मानवीय आस्तीमा के आधार पर लगातार कार्रवाई करते हुए अपहृत व्यक्ति की बरामदगी सुनिश्चित की गई, सकुशल बरामदगी उनकी हुई है। और इसके अतिरिक्त जो पांच व्यक्ति इसमें शामिल थे, उन पांचों व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी, पांचों अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है। जो गाड़ी इसमें प्रयुक्त हुई थी, वो गाड़ी भी बरामद हुई है। और इसके अलावा जो फ़ोन इसमें उपयोग किया जा रहा था, वो फ़ोन बरामद हुआ है इसके अंतर्गत, और कुल मिलाकर के 1,13,000 रुपये भी इनके पास से बरामद हुए हैं। क्योंकि बार बार इन लोगों की कोशिश थी कि ये लोग फ़ोन करके इन लोगों को धमका रहे थे, इनके घर वालों से पैसे की मांग कर रहे थे, और अपहृत के पास जो एटीएम कार्ड मौजूद था, उससे भी लोगों ने जबरान तरीके से जो है जितनी राशि निकाल सकते थे, लगभग 1,50,000 रुपये की निकासी उनके अकाउंट से करवाया, उसमें से इस पैसे की बरामद। फिरौती की राशि शुरुआत कितने से हुई थी और अंत में कितना तक मांग रहे थे? शुरुआती दौर में जैसा जैसा बताया गया है परिजनों के द्वारा, कि 65 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी, और उसके बाद नेगोशिएशन ये लोग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 30 अगस्त को सकुशल बरामदगी करा देने में सफल रहा। ये जो बरामदगी हुई है वो सतगावा थाना कोडरमा का है, उसके अंतर्गत मटुकडीहा से जो है ये बरामदगी हुई है। इसमें कोडरमा पुलिस और गिरिडीह पुलिस दोनों ही लोगों का काफ़ी हम लोगों को सहयोग मिला है, जिससे उनको पकड़ पाने में हम लोगों को सफलता मिली। ठीक है, तीन सहयोगी कह लें या तीन दोस्त कह लें, तीन परिचित व्यक्ति जो इसके थे, उन तीनों के साथ ही ये बेसिकली एक रेस्तरा में जीटी रोड स्थित, वहाँ पे खाने के लिए लोग गए थे, खाने पीने के लिए। वहाँ पर खाना पीना करने के पश्चात वहाँ से ये लोग बाहर निकले, बाहर एक गाड़ी से निकले जिसमें ये तीनों दोस्त इसके जो परिचित थे उसके साथ बैठे ये लोग। लेकिन उन तीनों ने पहले से ही एक प्लान किया हुआ था अन्य 7 लोगों के साथ मिलकर, तो वो लोग पीछे से एक दूसरी गाड़ी से आए थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद, और उसके बाद ये लोग फिर उसको लेकर के ओवर पावर कर लिया इसको, और करने के बाद ये लोग जीटी रोड में आगे बरी की तरफ आए, फिर आगे जा करके इसको अपने कब्जे में लेकर के दूसरी गाड़ी में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद लेकर के फिर सतगावा की तरफ। कितने दिनों में 1,50,000 रुपया निकला था एटीएम से, निकाला गया कितने दिनों में? देखिए, जो निकासी की गई है, जिस दिन 25 तारीख को इनका अपहरण किया गया, 27 तारीख को गया से 58,500 रुपये की, और बरही से फिर 29 तारीख को 1,00,000 रुपये की निकासी जो है इनके अकाउंट से।